लगातार 83 के बाद 1 लाख डेली यदि हम बांटे होंगे तो 280 करोड़ को क्रॉस कर जाने के बाद इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे। आम राजनेताओं से कुछ अलग तरह की सियासत करने के लिए मशहूर पप्पू यादव ने पटना में जन अधिकार पार्टी के एक कार्यक्रम में बड़ी बात कह दी। अपनी बात रखते रखते पप्पू ने दावा कर दिया कि वो अब तक 280 करोड़ रुपए आम लोगों के बीच में बांट चुके हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं पप्पू यादव। लगातार 83 के बाद 1 लाख डेली यदि हम बांटे होंगे तो 280 करोड़ को क्रॉस कर जाने के बाद इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे कि हम कल भी 1.5 लाख रुपया बांट के आए खगड़िया में और कल फिर 1 लाख का सामान जा रहा हो, तो इतना बेवकूफ तो हम नहीं होंगे कि मेरा चुनाव सामने में है और खगड़िया में हम पैसा बांट रहे हैं और हमको 4 करोड़ रुपया होगा तो हम चुनाव लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कल के दिन वो 4 करोड़ रुपया चंदा ही मांगना पड़ेगा। तो हमें समझ है, यह बेसिक सवाल इस दुनिया में हमेशा बात होती है, ये पप्पू यादव कौन सा टेबलेट खाता है कि सोता नहीं है। दरअसल साल 1980 से सियासत करने वाले पप्पू यादव ने बताया कि 1980 से लगभग हर दिन वो आम जनता के बीच में जाकर पैसे बांटते रहे हैं और अगर वो हिसाब लगाने बैठे तो 1980 से वो पैसा बांटते आ रहे हैं और लगभग हर दिन 1 लाख के आसपास गरीब और जरूरतमंदों के बीच में वो बांट देते हैं। और ऐसे में अगर पूरे पैसे का हिसाब लगाकर बताया जाए तो पप्पू के हिसाब से उन्होंने अब तक 280 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। गरीब और जरूरतमंदों के बीच में जाना और उनके बीच मदद के नाम पर उनको आर्थिक सहायता देना पप्पू की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम दान करते हैं तो दाएं हाथ से किया गया दान हमारे बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन बातों बातों में पप्पू ने बता दिया कि अब तक उन्होंने कुल 280 करोड़ रुपए आम लोगों के बीच में बांटा है। अब इन आंकड़ों में सच्चाई कितनी है ये तो पप्पू जाने, लेकिन बड़ा सवाल है कि जनता के सुख दुख में अक्सर खड़े नजर आने वाले पप्पू यादव, जरूरतमंदों के बीच में पैसा बांटने के लिए मशहूर पप्पू, आखिर चुनावी सियासत में पिछले कुछ समय से पास क्यों नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2024 के लोकसभा और 25 के विधानसभा चुनाव में पप्पू की सियासत क्या मोड़ लेती है। पटना से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे।